हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और आज केमिस्ट्री की फोर्थ क्लास है। जैसा कि अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और आज का टॉपिक है हमारा, जो हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने दो टाइप तो पढ़ चुके थे बेटा, आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट के नाम से आपको क्या समझ रहा है? डिस्प्लेस करना मतलब जब कोई एक हाई बोले ना हाई एनर्जी वाला सब्सटेंस होता है, मतलब जो हाई रिएक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे वैसे तो इसमें, मतलब जिस सब्सटेंस की रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, जब वो एक हाई रिएक्टिव सब्सटेंस किसी लो रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा देता है, उसको हटाकर उसे खुद आ जाता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे क्या हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बताया मैंने? जब एक हाई रिएक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। किसको डिस्प्लेस कर रहा है? लो रिएक्टिव सब्सटेंस को, है ना। जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट कहें, जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे हम क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, है ना। इसको हम एक एग्जांपल देता हूँ, हम वैसे भी एक एग्जांपल से और बढ़िया समझ सकते हैं। मान लो क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा मोटा सा है ना, और दूसरा बच्चा काफ़ी कमज़ोर सा है, तो क्या करेगा? तो फ्रेंड्स, हम यहाँ बोल रहे, जब एक जो मोटा लड़का है, एक थोड़ा पतला कमज़ोर सा लड़का है, मतलब मोटा मतलब ताकतवर ज़्यादा, थोड़ा गुस्सेल टाइप का है, तो क्या करेगा भाई वो? अगर मानो वो फर्स्ट बेंच पे बैठा है जो कमज़ोर सा लड़का, और वो जो ताकतवर लड़का बोलेगा भाई तू यहाँ से हट जा, मुझे बैठना फर्स्ट बेंच पे, तो क्या करेगा भाई वो कमज़ोर वाला? तो हट ही जाएगा ना, कहेगा यार चल यार छोड़ो, कौन इससे पंगा ले, है ना। तो वो उसे बोलेगा चल बैठ, ठीक है तू बैठ जा, मैं तो यहाँ से हट जा रहा हूँ, है ना। मतलब क्या किया, एक ताकतवर वाले ने कमज़ोर वाले को वहाँ से हटा दिया, उसे खुद बैठ गया वो, है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी होगा केमिकल रिएक्शन में भी, कि जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लो रिएक्टिव वाले को हटा देगा, उसे पर खुद आ जाएगा, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे हम क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा सा, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, और ये कौन से कलर का होता है? ये होता है ब्लू कलर का होता है, मतलब जब इसे पानी में घोल देंगे, जब इसे पानी में डिजोल्व कर देंगे, इसे कलर कैसा जाएगा? ब्लू, ठीक है। मान लीजिए आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना, कॉपर सल्फेट को इसमें डिजोल्व कर लिया, कौन से कलर का है? ये ब्लू कलर का है अभी इसका सोल्यूशन, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दी? ऊपर से लोहे की कील डाल दी इसमें, ये मान लो लोहे की कील डाल दी हमने इसमें, है ना। और लोहे की कील जो होती है वो पहले कौन से कलर की होती है? पहले तो देखने में ये सिल्वर कलर जैसे दिखती है, कुछ चमकदार दिखती है ना। लेकिन क्या देखा, जब हमने इस लोहे की कील को जब इस ब्लू कलर वाले कॉपर सल्फेट में डाल दिया, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4, लोहा किसका बना होता है? इसका जो मैंने लोहे का ये कलर लिखा है सिल्वर, आप सोचो कहीं मैंने चांदी इसमें डाल दिए, ठीक है। जो लोहे का फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है ना, आयरन का फॉर्मूला Fe, ठीक है। तब क्या करेगा भाई, ये जो Fe क्या है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, है ना। Fe जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए Fe क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर जगह पे खुद लग जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और कॉपर इसमें से अलग हो जाएगी Cu, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है क्या कर रहा है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उस जगह पे खुद आ जाता है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हमने पढ़ा वैसे रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, जब हम RNL को, जब हम RNL मतलब लोहे की कील, ठीक है, जब RNL को जब हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे, तो उसके कलर में क्या चेंज आएगा? तो फ्रेंड्स, होगा क्या, जो आयरन नेल होगा इसका कलर कैसे था, पहले ब्राउन था, लेकिन जब इस पर जाके कॉपर जमा हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, तो इसका जो कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। मतलब जो आयरन नेल है पहले सिल्वर कलर की थी, लेकिन जब इस पर कॉपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, इसका जो कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। और ये जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का जो कलर है, पहले डार्क ब्लू था, अभी कैसा हो जाएगा, फेड हो जाएगा, मतलब बहुत हल्का हो जाएगा कलर इसका, फेड हो जाएगा, फेड होना मतलब कलर जो है पहले से बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप इसके कुछ और एग्जांपल्स देख रहे थे, जब जिंक को अगर हम डालते हैं, है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, जो ब्लू कलर होगा इसका वो तो चेंज, मतलब कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है पहले से हल्का हो जाएगा, फेड हो जाएगा कलर उसका, है ना। अब इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि जिंक की बात करें, जिंक को डालें हम, ZN को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं,
अगर हम कॉपर जिंक को कॉपर सल्फेट में डालते हैं CuSO4, तब क्या देखेंगे? तब यहाँ पर जिंक क्या है, ये भी कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, मतलब हाई रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर यहाँ पे खुद आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ZnSO4+, उसमें से कॉपर अलग हो जाएगा, एक ही रिएक्शन होगी इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका लास्ट, कि लेड को पी भी मतलब होता है लेड, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ CuCl2 के साथ, तो यहाँ पर जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए लेड क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, यह बन जाएगा PbCl2+, यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमने तीन रिएक्शन देखी हैं, ये तीनों रिएक्शन कैसी हैं, ये तीनों रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर तीनों रिएक्शन में एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या करा, लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, उस जगह पे खुद आ गया है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर तो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट था, वो क्या कर रहा था, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, इस टाइप रिएक्शन को बोल रहे थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रेंड्स। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मतलब होता तो है लेकिन थोड़ा सा उसके अलावा भी एक चीज़ और यहाँ पर फालतू होती है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, कि जो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे की पोजिशन, तो फ्रेंड्स मैं बता रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अलावा यहाँ पे एक चीज़ फालतू होगी, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट बोलेंगे इसको, ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब इन दोनों की रिएक्शन आपस में होगी तो क्या होगा भाई, तो मैंने क्या कहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, आयंस जो होंगे वो एक्सचेंज होंगे, यहाँ पर Na2 और जो Ba है, ठीक है, जो सोडियम है और जो बेरियम है, ये आपस में एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब Na2 यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पर Ba के प्लेस पर, और जो Ba होगा यहाँ से डिस्प्लेस होकर आ जाएगा Na2 के प्लेस पर। तो रिएक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगा, ये आपके पास BaSO4 भाई, Ba तो यहाँ चला गया SO4 के साथ, सल्फेट के साथ लग जाएगा, और प्लस Na2NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जो आयंस है वो एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हुई, लेकिन दो चीज़ों की डिस्प्लेसमेंट हुई ना, मतलब Na यहाँ से यहाँ आ गया और Ba जो था वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर इसकी पोजीशन पे आ गया। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात और देखिए, जब Na2SO4 जो है आपके पास और ये जो बेरियम क्लोराइड है, तो भाई होता क्या है, जब Na2SO4 और जो बेरियम क्लोराइड है, जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन होती है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रहती है ना, ये ऑब्जर्वेशंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो भाई जब बेरियम क्लोराइड में, मतलब एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, इसमें हमने क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड डाल दिया, BaCl2 इसमें फिल कर दिया है ना, और दूसरी टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए इसमें है Na2SO4, तो जब हम बेरियम क्लोराइड में क्या क्या डाल रहे हैं, Na2SO4 डाल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर एक वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा, वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो घुलेगा नहीं, जो डिजोल्व नहीं होगा। उस वाइट कलर के इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम बोलेंगे क्या, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, जब Na2SO4 की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ होती है, तो वहाँ पर एक वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या फिर वाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी प्रेसिपिटेट बनता है, उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये इसका एग्जांपल है यहाँ पर, कि हमने वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, तो वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा, पानी के अंदर घुल नहीं रहा, इसलिए इसे बोलेंगे क्या, हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, और इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, अब हमारा इसका जो लास्ट टाइप है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, टाइप 5 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्या होता है भाई, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए। ठीक है, जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो हम इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मैं कॉपर को गर्म करूँ, कॉपर जो है Cu कॉपर, जब कॉपर को गर्म करेंगे, ठीक है,
तो जब कोई कॉपर को बर्न कर रहे हैं या फिर गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, कॉपर क्रशिंग के साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी, तो हीट करने पे क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। ठीक, और जब कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया, जब कॉपर को गर्म करेंगे, कॉपर गर्म करने से पहले कौन से कलर का रहता है, ये ब्राउन कलर का रहेगा, और गर्म होने के बाद इसका जो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन से भी कि कॉपर जो है वो गर्म करने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, तो कॉपर का कलर पहले तो ब्राउन रहता है गर्म करने से पहले, और आफ्टर हीटिंग इट्स चेंजेस इंटू ब्लैक। ठीक है, तो अब हुआ क्या भाई, जब कॉपर को हमने गर्म किया तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, है ना भाई, कॉपर प्लस ऑक्सीजन बराबर कॉपर ऑक्साइड। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो किसी भी सब्सटेंस में ऐड हो जाती है, इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे क्या, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी बात करते हैं कि रिडक्शन क्या होता है ना, तो रिडक्शन का मतलब हो गया ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन निकल जाए जिसमें से, यहाँ पर तो ऐड हो रही है ऑक्सीडेशन में, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, ऑक्सीजन का लॉस होगा। ऑक्सीडेशन में तो बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, और रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड था जैसे ये, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और इसको हीट करते हैं फिर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा कॉपर प्लस यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा भाई हमने, जो कॉपर में से ऑक्सीजन क्या निकल गई ना, इसमें से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर वाटर में चेंज हो गई, तो कॉपर में से क्या हुआ, कॉपर में से तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ ना, कॉपर में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन में मैंने बताया क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर एक इसमें आता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा, मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी थी इसी यही है, देख लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, हीट करने के बाद क्या आ रहा है, कॉपर प्लस क्या बन रहा है, यहाँ पर वाटर बन रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है भाई, कॉपर में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हो रहा है रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्लस ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था इसमें क्या, और ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, पर ऑक्सीजन वो निकलने के बाद किस में ऐड हो गई, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब यहाँ पर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अब हमने पढ़ना है कोरोजन क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपके जब कोई लोहा या आयरन खरीद के लाते हैं बाजार से, लोहे कोई आर्टिकल लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है ना लोहा, काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है पहले तो, लेकिन उस टाइम के बाद क्या देखते हैं, उस लोहे के ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर का एक पाउडर सा हमें हमें दिखाई देने है ना, दिखाई देता है, देखा होगा आपने, दिखाई देता है कई बार, जब नया कोई आर्टिकल लेके आए हम बाजार से लोहे का, जब तो वो काफ़ी चमक रहा है, लेकिन उस टाइम के बाद ये ऐसे देखेंगे कि जो लोहे का जो आर्टिकल था उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर सी हमें, ब्राउन कलर का एक पाउडर सा हमें उसके ऊपर देखने को मिलता है ना, तो वो क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा है, उस लोहे पर जंग लगना स्टार्ट हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि सिर्फ जो जंग है वो लोहे पर लगता है, और भी ऐसे पार्टिकल मटेरियल था जिनके ऊपर जंग लगता है, जैसे अगर चांदी है, सोना है, इन पर भी जंग लगता है। ठीक है, अगर हम चांदी की बात करें, जो सिल्वर होता है, सिल्वर पे जो जब जंग लगता है तो सिल्वर का जो कलर कैसा हो जाता है, ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है ना, जब कॉपर पे जंग लगता है, कॉपर पे जंग लगता है, ये लगता है ग्रीन कलर का लगता है। ठीक है, आपने अपने घर में देखा होगा बहुत से जो लेडीज़ वगैरह होती हैं, जो सिल्वर के पैर में जो मतलब ऑर्नामेंट्स पहन के रखती है ना,
है ना, उस देखा होगा उस टाइम के बाद उसका कलर क्या था, ब्लैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जो सिल्वर की रिएक्शन जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होती है फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है, सिल्वर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी अब तो उसमें कोई जंग नहीं लगेगा, लेकिन जो हमारे एनवायरमेंट में हमारे एयर के अंदर जो सल्फर फैला हुआ है, जो सल्फाइड या फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड फैला हुआ है ना, जब इसकी रिएक्शन सिल्वर के साथ होती है तो हमारी जो चांदी होती है, मतलब जो सिल्वर के गहने, मतलब जो हमने पहन रखे हैं हाथ पैर में, इसका जो कलर होता है काला हो जाता है, क्योंकि इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है उस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, सिल्वर पर भी जंग लगता है, और एक कौन सा कलर लगता है, ब्लैक कलर का लगता है। और ऐसी फ्रेंड जो कॉपर, अगर मान लो कॉपर की तार है वो आपने छील के हवा में मतलब कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दी, तो आप क्या देखेंगे, कॉपर का कलर कैसा हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन, है ना। तो ग्रीन हो रहा है उसका मतलब क्या है, उस पर जंग लग रहा है कॉपर पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्या देखते हैं कि जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, मतलब जो लोहे के या मेटल, जो मेटल के आर्टिकल्स होते हैं, उन पर जब जंग लगता है, तो उसको अब जंग लगने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं, है ना। या फिर जो फिनोमिना है कि जैसे आयरन पे जंग लग रहा है, सिल्वर पे जंग लग रहा है, कॉपर पे जंग लग रहा है ना, तो इन सभी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। मतलब ये जो फिनोमिना आयरन पे जंग लग रहा है, इससे हम बोलेंगे क्या हो रहा है, इन पे इनका कोरोजन हो रहा है ना। तो अब कोरोजन की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम कोरोजन, मतलब कोरोजन की डेफिनेशन क्या होगी भाई, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, जब किसी मेटल के ऊपर आसपास से सब्सटेंस, जैसे कि एसिड हो गया, है ना, और मॉइस्चर होगा, जब ये सभी मिलकर उस ऊपर अटैक करते हैं, तो उसका क्या होता है, उस मेटल का क्या होता है, उसका मेटल का डिकम्पोज होना, वो मेटल स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, इस कोरोजन को रोका कैसे जा सकता है, तो मतलब जो भी मेटल के आर्टिकल्स हैं उनको अगर उनके ऊपर हम पेंट कर दें, है ना, पेंट कर दिया जाए, आपने देखा होगा लोहे के जितने भी आर्टिकल, उन पर पेंट किया जाए ताकि उस पर जंग ना लगे, है ना। इसके अलावा अगर उन पर ऑयल कर दिया, उनकी ऑयलिंग कर दिया, उसके ऊपर तेल लगा दिया जाए या ग्रीस लगा दी जाए, है ना, तो इस तरीके से क्या होता है, मेटल को हम कोरोड होने से बचा सकते हैं, मतलब उसका कोरोजन होने से हम उसे रोक सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी क्या होती है। फ्रेंड्स, होता क्या, जो हमारे मतलब जो ईटेबल आइटम्स आते हैं, जो पैकेट में पैक होकर आता है, देखा होगा ना, चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, या फिर जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फूले होते हैं, मतलब मोटे मोटे से दिखते हैं ना, और हवा भरी होती है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, उसमें एक्चुअली कौन सी हवा भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है? फ्रेंड्स, जो चिप्स के पैकेट में हमेशा नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस, ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन गैस। अब ये फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जो ऐसे फूड जो इनके अंदर फैट या ऑयल पाया जाता है, तो जब इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, तो इनका जो टेस्ट होता है और जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो फैट वाले आइटम्स हैं जिनमें फैट या फिर ऑयल पाया जाता है, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है खाने का जिसमें फैट या ऑयल है, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा एक तो, और साथ में उसका जो टेस्ट है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, है ना। जब स्मेल और टेस्ट, जब ये दोनों चेंज हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब जो भी हमारे खाने की चीज़ें उसमें फैट या ऑयल हैं, जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ऐड होने से क्या होगा, उसका जो स्वाद है और जो टेस्ट है, दोनों मतलब जो स्मेल और जो टेस्ट है, दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या रेंसिडिटी हो रही है, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब कोई भी जो फैट और जो ऑयल वाले सब्सटेंस जब ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो रेंसिड हो जाते हैं, ठीक है, और उनका स्मेल और जो टेस्ट है दोनों चेंज हो जाता है, इसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या क्या, जब मानो चिप्स के पैकेट हैं, अगर वो चिप्स भाई आप देखो दुकानों पे महीने दो दो महीने तक टंगे रहते हैं, अगर ऐसी ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, फिर तो खराब हो जाते, फिर तो वो मतलब दुकानदार का नुकसान होगा, जो खरीदेगा इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है ना। तो क्या होगा, तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम कहते हैं एक एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, है ना, कि जो यहाँ पर फैट और ऑयल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम एक एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है, इसका नाम है नाइट्रोजन। जो चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं कुरकुरे में, उन सब में नाइट्रोजन गैस फैली होती है, ताकि जो चिप्स भरे हुए हैं इसके अंदर, उनका ऑक्सीजन होने से रोका जा सके, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि रेंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन क्या होता है। फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दे दूँगा ताकि आप सीधा मेरी वीडियो देखें और उस नोट्स में से याद कर लें। आपको कोई भी क्वेश्चन चैप्टर में से गलत नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सिर्फ देख के मत जाइए फ्रेंड्स, लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख के अपना पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।